Hello friends, today my name is Molent and I am going to teach you all about the nouns, part of speech. My name is Molent and I am from beautiful state. Again today I am back to teach you all and grammaticals. So I'm going to teach you all grammaticals. So before I teach, I'd like to just say about a little bit noun in Hindi. Because in Hindi is most important. तो मैं आप सभी को हिंदी में समझाना चाहूंगा. नाउन का मतलब होता है संज्ञा. तो अब संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में हम पता लगाएंगे. सबसे पहले I would like to read and show to you all in English. So in English is that a noun is the name of person, place or things. It is also called naming words. अब इसका हिंदी में होगा किसी व्यक्ति का नाम, जगह के नाम या तो चीज के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे. और यहाँ पर कहा गया है it is also called naming words. और संज्ञा को हम किसी का नाम को लेना को भी हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे. तो आप सभी को आई लाइक टू एक्सप्लेन वेरी क्लियरली बाय द एग्जांपल. सो एवरीवन बी लिसन वेरी केयरफुली. यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. सो आई लाइक टू टेक फ्रॉम व्हाट इज पर्सन. पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति का नाम. पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति का नाम. तो एग्जाम्पल में हम बताते हैं आप सभी को, इसके एग्जाम्पल पर्सन लेते हैं कि क्या पर्सन, P-E-R-S-O-N. अब पर्सन में कौन आएगा, व्यक्ति का नाम, किसी का भी आ सकता है, आदमी कोमा, अब औरत वुमेन. अब आदमी का नाम कौन, आदमी का नाम भी हो सकता है नाम, जैसे कि राम. आप राम भी लिख सकते हो, R-A-M राम, और इत्यादि एटसेट्रा और भी है. अब लेते हैं दूसरा है जो कि प्लेस. क्या है प्लेस, पहले पर्सन हो गया, अब दूसरा है प्लेस. प्लेस का मतलब जगह, स्थान, P-L-A-C-E, प्लेस. प्लेस का मतलब जगह के नाम. अब जगह नाम क्या हो सकता है, होम भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, अब टाउन भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा इत्यादि इत्यादि बोलते हैं हम. तो नेक्स्ट है, अब आते हैं लास्ट में आते हैं थिंग्स. थिंग्स का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ बोलो बेटा. थिंग्स का मतलब होता है चीजों के नाम. अब चीज का नाम मतलब कुछ भी चीज हो सकता है. देखो हम लोग जो भी सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं उसको हम चीज ही कहते हैं. अब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पेन हो गया, P-E-N, पेन, हाँ P-E-N, पेन, कोमा. उसके बाद टेबल हो सकता है, उसके बाद चेयर हो सकता है, C-H-A-I-R, चेयर, एटसेट्रा. थैंक यू सो मच. आज के लिए हम ये नाउन का मतलब है संज्ञा. अब संज्ञा के आज के लिए इतना ही, और आप सब लोग वीडियो को देखते रहिए और जानकारी पाते रहिए. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.